वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ दैट हाउ आई स्टार्ट सेविंग या बजट मैनेजमेंट टिप्स और कितना सेविंग मैं हर मंथ करती हूँ उसके रियल फिगर्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं एग्जैक्टली बजट का जो है वो रियल फिगर्स शेयर नहीं करूँगी, बट मैं हर मंथ कितना सेव करती हूँ उसका मैं रियल बजट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड क्या हम लोग किस तरह से सेविंग्स करते हैं और किस तरह से हमारा बजट मैनेजमेंट होता है वो सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स आप लोगों को दे देती हूँ। तो बेसिकली जो बजट मैनेजमेंट मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक्चुअली में हम दोनों फॉलो करते हैं और इसी तरह से हमारा लास्ट डेढ़ पौने दो साल से बजट चल रहा है। जो बजट मैनेजमेंट है ये बेसिकली मिडिल क्लास वाला बजट आप कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू द सर्वे जो मैंने स्टडी किया है कि इंडियन सैलरीज में जिसका 50,000 to 70,000 का अमाउंट होता है, लाइक हस्बैंड वाइफ या उनकी पूरी फैमिली की जो मेजर इनकम होती है, अगर वो 50,000 to 70,000 के बीच में फॉल आउट होती है दैट मींस दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास। इसके नीचे अगर आता है देन दे आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास। एंड इसके ऊपर अगर आपका सैलरी आता है, लाइक आपका भी 50 है ना, आपकी वाइफ का 50 है, मतलब 1 lakh हो गया, तो आप लोग अपर मिडिल क्लास में आते हो। तो इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है थियोरीज में। बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इफ यू आर हैप्पी यू आर रिच, इफ नॉट देन यू आर पुअर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। जो बजट चलाने वाला इंसान है वो 20,000 में भी चला सकता है, नहीं चलाने वाला और सेटिस्फाइड जिसको नहीं रहता है वो 2 lakh रुपए में भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट दैट थ्योरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बजट प्लानिंग किस तरह से होता है। तो हम लोगों ने जब हमारा बजट प्लान किया था तो हमने लिटरली काफी सारे जो फाइनेंशियल गुरुज हैं, काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजरी और इन सब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं, तो हमने काफी सारा देखा था एंड ऑल। उसके बाद हमने हमारे कंफर्ट के हिसाब से हमारा बजट प्लान किया था, हमारी बजट मैनेजमेंट प्लानिंग करी थी। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में बजट डिवाइड होता है आपके घर का। तो एक कैटेगरी को बोलते हैं नीड्स का आता है आपकी वॉन्ट्स, थर्ड कैटेगरी आती है वो है सेविंग्स। यहाँ पर आपको अच्छे से फिगर्स के साथ शो करूंगी तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन डेप्थ बता देती हूँ कि बेसिकली नीड्स, वॉन्ट्स एंड सेविंग्स का किस तरह से मीनिंग होता है। तो सबसे पहले आते हैं नीड्स के ऊपर। तो आपकी जो नीड्स होती हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, तो फर्स्ट आता है रेंट, क्योंकि हम लोग जैसे रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारा रेंट भरना इज़ अ मस्ट। और जिन्हें घर ले लिया होगा उनकी EMIs होगी या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ होगी। देन फूड हो गया, फूड ग्रॉसरी, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। देन हो गया ट्रांसपोर्टेशन और बिल्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, देन फ़ोन का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिल्स होते हैं। देन क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स इज ऑल्सो कम्स इन नेसेसिटी, है ना, आप क्लोथ्स के बिना रह नहीं सकते, आपको बेसिक कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक नीड्स के कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉल होता है। हो सकता है आपकी नीड्स की कैटेगरी थोड़ी अलग हो, तो आप अपना एक पोर्शन बना लीजिए कि क्या क्या आपका नीड्स है ना। वॉन्ट्स में क्या हो गया कि भाई मुझे कार चाहिए, कार किसी की नीड होगी, किसी के लिए वॉन्ट होगा, तो उसके पास वेकेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये आपका वॉन्ट्स भी हो सकता है, नीड्स भी हो सकता है। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट उसमें ये जाता होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके नीड्स एंड वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग आप ये कैटेगरी बना सकते हैं ना। आता है सेविंग्स का पार्ट जिसमें आता है रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद किड्स के लिए सेविंग हो गया, मैरिज के लिए सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने रखा है FD RD, उसके बाद इक्विटी PPF, ये सब में आप सेविंग्स के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार पूरा चार्ट आपको दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लगता है तो। आप इस तरह से अपने लिए एक पूरा चार्ट बना के रखिए। नेक्स्ट, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं सेविंग्स के लिए तो उसका एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताती हूँ। आपने 50-30-20 का रूल सुना होगा, बहुत सारे जो फाइनेंशियल गुरुज हैं इसके बारे में बात करते हैं। मनी सेविंग रूल होता है 50-30-20। तो बेसिकली क्या होता है और हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हमारी नीड्स, वॉन्ट्स एंड सेविंग्स का ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो 50% होती है हमारी नीड्स, 50% जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें से आपका 50% निकाल दीजिए एंड वो आपके नीड्स में जाना चाहिए। देन जो 30% होता है वो आपके वॉन्ट्स में जाना चाहिए एंड जो 20% होता है वो आपके सेविंग्स में जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बिगनर, जब मैं बिगनिंग मैं करती थी सेविंग या विक्की करता था तब हम लोग जनरली यही वाला रूल फॉलो करते थे। अब बताती हूँ कि विक्की का एक्चुअली में किस तरह का रूल चलता है और मेरा क्या रूल चलता है। तो विक्की यूजुअली, यू नो, विक्की का रूल चलता है 40-40-20 और मेरा भी अगेन चलता है 40-40-20, बट हमारे वॉन्ट्स, नीड्स एंड सेविंग्स अलग अलग तरीके से होता है। तो कमिंग टू विक्की के रूल पे, तो विक्की का जो 40% होता है वो अपनी सैलरी में से सेव कर देता है। सेव मतलब वो इन्वेस्ट करता है, वो शेयर मार्केट में भी कुछ कुछ करता है और जो जो भी उसको करना होता है वो उसका पर्सनल है, वो 40% अपना निकालता है। देन 40% हम लोगों का नीड
वाली जो चीज़ें होती हैं, जो आता है ग्रॉसरी वगैरह आता है वो सब होता है, देन 20% उसका वॉन्ट्स, उसका वॉन्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम है. नाउ मेरा 40% मेरा नीड्स है और 40% ही मेरा वॉन्ट है, एंड मैं सिर्फ 20% अपना जो भी अमाउंट मैं अर्न करती हूँ उसमें से सेव करती हूँ. मैं बिगनिंग में भी 20 करती थी एंड मैं अभी भी 20 करती हूँ. आगे चल के और आपको पता चलेगा कि वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, बट मिनिमम मेरा जो अमाउंट है वो 20 तो जाना ही जाना होता है ऐसा. सो ये मेरा वॉन्ट्स, नीड्स एंड सेविंग्स का स्ट्रक्चर है और ये विकी का है. नाउ वी बोथ हैव टू अकाउंट्स, लाइक हम दोनों के पास दो दो अकाउंट है, एक हमारा सेविंग अकाउंट है और एक हमारा करंट अकाउंट है. सेविंग अमाउंट में हम लोग हमारा जो बॉन्ड्स वाली सेविंग्स होती है वो हम करते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत अमाउंट हम रखते हैं. एंड दूसरा वाला जो अकाउंट है उसमें करंट वाला मतलब कैसा, जैसे थोड़ा बहुत अमाउंट हम उसमें रखते हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ज़रूरत का सामान, छोटी मोटी चीज़ें, ग्रॉसरी, ये सब का पेमेंट हो जाए, कुछ कपड़े लेने गए तो उसका पेमेंट हो जाए, तो उस तरह से चलता है. और जो दूसरा अकाउंट है वो पूरी तरह से पैक्ड रहता है, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते और ना हाथ भी लगाते हैं, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ज़रूरत की चीज़ ना लेनी हो. एक्चुअल सेविंग्स होती है ना, प्रॉपर सेविंग करना एंड बजट मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था 2018 दिसंबर से, अराउंड दिसंबर से हम लोगों ने जो चालू किया था वो हमारा अभी तक चल रहा है. तो हम लोगों को ये पता था विक्की शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है और आई थिंक ये सबको पता था कि एक डेढ़ साल में रिसेशन इंडिया में हिट कर सकता है, ग्लोबली हिट कर सकता है, बट किसी को ये नहीं पता था कि इस तरह से गंदी तरीके से हिट करेगा रिसेशन की, मतलब सारी चीज़ें बहुत अजीब हो जाएंगी जो अभी सिनेरियो आया है. बट ये हमको सबको पता था, हम लोग का माइंडसेट था कि रिसेशन हिट करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग पहले से प्लानिंग कर रखे थे, कर चुके थे कि हमको कितना सेव रखना है अमाउंट. तो बेसिकली आपकी जो नीड्स होती है, सपोज हमारे नीड्स में क्या क्या सामान आता है वो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट में बताती हूँ कि हमारे नीड्स में आ जाता है. एक तो रेंट हो गया, रेंट के बिना हम नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फूड हो गया, ग्रॉसरी हो गई, उसके बाद वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया, फोन रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज, क्योंकि मेरा काम पूरा इंटरनेट पे होता है, विक्की का काम इंटरनेट के थ्रू होता है, तो इंटरनेट रिचार्ज, तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता है. तो ये सपोज आप मान के चलो, एक एग्जांपल लेती हूँ, किसी का ये शायद 20,000 होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 60,000 होगा. तो अमाउंट है ये 60,000 हो सकता है, तो 60,000 इंटू 12 कितना हो गया, 7,20,000. इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, जैसे भगवान ना करे कल को आपका जॉब का कुछ हो गया या आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई या जो भी एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है, तो इतना अमाउंट आपके पास तो बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए ताकि आपका सर्वाइवल बिना किसी रुकावट के चल सके. नाउ फ्रॉम लास्ट वन ईयर we have literally changed our lifestyle, like from 360 degree हम लोगों ने चेंज किया हमारे lifestyle को, जिसकी वजह से हम काफी सारा अमाउंट यहाँ पर सेव कर पाते हैं. अगर आपको ये पॉइंट्स जानने हैं तो उसके लिए अभी रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो बनाया, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वो आप जरूर देखिएगा कि हमने क्या क्या चीजों में अपना lifestyle में कट डाउन किया है जिसकी वजह से हम एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर पाते हैं. नाउ कमिंग टू माई सेविंग्स की मैं मंथली कितना सेव कर पाती हूँ, विक्की का अमाउंट, विक्की की सैलरी, मेरा कितना मैं मंथली अर्न कर लेती हूँ, वो सब बताने में मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहाँ मुझे हर तरह के लोग देख रहे हैं बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बताऊंगी. तो मैं हर मंथ कोशिश करती हूँ कि 20% अपना जो सैलरी है या जितना मैं अमाउंट कमा लेती हूँ उस, ये मैं लॉकडाउन के पहले की बात कर रही हूँ. लॉकडाउन के बाद तो मतलब सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या सेव करूंगी, तो उसके पहले मैं बात बता रही हूँ आपको. तो मैं 20% सेव करती हूँ. 20% कितना हो गया मेरा उसका, मतलब मैं 15,000 आप मान के चलो कि मैं सेव करती हूँ. समटाइम्स मेरा क्या होता है, जैसे मेरे वॉन्ट्स में मेरा क्या क्या आता है, सपोज कोई मुझे स्किन केयर लेना है या मुझे कोई फर्नीचर लेना है या मुझे ड्रेसिंग टेबल में इन्वेस्ट करना है या मुझे कोई अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, मोबाइल लेना है या मुझे लैपटॉप लेना है या कैमरा लेना है, तो वो कोई हर मंथ के तो होता नहीं है. मतलब कपड़े भी लेना है तो कितने के लूँगी मैं, 2,000-3,000 की लूँगी, तो ऐसा तो यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है या मुझे हर मंथ कुछ लेना होता है, तो वो अमाउंट वॉन्ट हर मंथ नहीं होती है मेरी. तो वो जो वॉन्ट वाला अमाउंट है वो मैं सेविंग में ट्रांसफर कर देती हूँ जिस मंथ मुझे कुछ लेना नहीं होता है. तो मेरा सेविंग का रेशो समटाइम्स 30% भी हो जाता है एंड समटाइम्स 40% भी हो जाता है, तो डिपेंड्स. तो मैं मिनिमम कोशिश करती हूँ कि मेरे अकाउंट में 10,000-15,000 तो मिनिमम अमाउंट है. एंड बजट मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल अबाउट हाउ मच यू आर अर्निंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर सेविंग. आप सेविंग कितना कर रहे हो, आप बचा कितना रहे हो जितने में से आप कमा रहे हो, वो एक्चुअली में बजट मैनेजमेंट होता है, ना कि ये कि आप कमा कितना ज़्यादा रहे हो और खर्च कितना ज़्यादा कर रहे हो. ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, लेकिन जिस दिन से मुझे ये चीज़ रियलाइज होना स्टार्ट करी, उस मैनेजमेंट है वो चेंज किया और उसको इम्प्रूव करा और इम्प्रूव कर रही हूँ धीरे धीरे.
मैं यहाँ पर अपना बजट प्लानिंग ट्रैकर जो है, जो मैं यूजुअली मेरे प्लानर में इस तरह का ट्रैकर दिया हुआ है, लेकिन उसमें फिगर्स लिखे हुए हैं, दैट्स वाई मैं वो वाला ट्रैकर आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। सेम मेरे पास इस तरह का एक एक्सेल में भी ट्रैकर है, जिसमें भी अगेन रियल बजट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ उस ट्रैकर का, कि किस तरह से बजट प्लानिंग ट्रैकर मेरा है, जो मैं अकेला यूज़ करती हूँ, विक्की अलग यूज़ करता है। तो ये मेरे मंथली बिल्स हैं, तो जिसमें मेरी वाइटी इनकम यानी कि यूट्यूब से इनकम आती है, देन डांस क्लास से जो इनकम आती है वो लिखा है मैंने, ब्रांड कोलैबोरेशन से जो इनकम आती है, ये तीन मेरे इनकम सोर्सेज हैं। देन अब मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं हर मंथ, जैसे मेरा हाउस हेल्प को एक्सपेंस जाता है, देन ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑफलाइन शॉपिंग होती है, फूड एक्सपेंस होता है, ट्रैवल एक्सपेंस होता है मेरा, देन मेरा सेल्फ केयर एक्सपेंस होता है जिसमें मैं पार्लर जाती हूँ एंड ऑल दैट, ये सब करवाती हूँ, देन फर्नीचर एक्सपेंस अगर मैंने कुछ फर्नीचर परचेस किया है, देन ATM से मैं कितना कैश निकालती हूँ वो। तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसा मैंने पूरा बना करके रखा हुआ है। अब आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो सपोज मैंने जनवरी में 20 रुपीज़ की ऑनलाइन शॉपिंग करी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो डिक्रीज़ होता जाए मंथ बाय मंथ, इंक्रीज़ होने की बजाय 19, 18, 15 ऐसे करते करते डिक्रीज़ होता जाए। सेम विद ऑफलाइन शॉपिंग भी। तो इससे क्या होता है, आपको ट्रैक करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं है किसी मंथ में ज़रूरत है तो आप बढ़ा भी सकते हो, अगेन वो बढ़ भी सकता है, बट स्टिल इससे आप काफ़ी अच्छे से आपका ईयरली ट्रैकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो एट दी एंड ऑफ द ईयर, कि आपने क्या खर्चा किया है क्या नहीं किया है। नाउ इनकम्स की बात रही, तो जैसे कि अभी तो हमारा इनकम बिल्कुल ऊपर नीचे हो चुका है, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि इनकम का भी पूरा प्रॉपरली ट्रैक कर सकूँ, कि मेरे को किस मंथ कितना आया है, कितना अमाउंट आया है, सो दैट मुझे ईयरली ट्रैकर बनाने में ईजी हो। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड डू लेट मी नो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड दैट्स इट, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।